हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा हैक लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे वेस्ट डब्बे से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे घर में चिकन वाले डब्बे होते हैं, जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जो डिश वॉश के प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, या जिस जो रसमलाई रसगुल्ले के प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ये वीडियो देखोगे ना, तो अब से ना कभी भी प्लास्टिक के डब्बे फेंकोगे नहीं। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास इस टाइप के डब्बे नहीं है ना, तो आप है ना इस तरीके के टॉफ़ी वाले डब्बे भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर है ना अब से पहले भी एक ऐसा हैक डाला है, मेरे चैनल पर जाके ना उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक वायर। वायर थोड़ा लंबा लें जिससे कि हाथ वाथ ना जले। यदि वायर ना हो तो आप मोटी वाली सुई ले सकते हैं, जो लंबी वाली आती है। और हम है ना वायर को गर्म कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें इसमें होल करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इसमें डब्बे के अंदर होल कर लिया है। जो होल हुआ नहीं है अच्छे से, उसको भी हम अच्छे से होल कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन जाएंगे ना, तो ऑनलाइन आप देखेंगे कि झारे जो है ना 500-600 की रेंज में मिल रहे हैं, लेकिन हमने घर में ही होममेड यहाँ पर झारा बना करके रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हमें इससे बूंदी बनानी कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल या घी ले लेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को हाई रखना है और डब्बे के अंदर हम बैटर को डालेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे हल्का हल्का हिलाते रहना है। और फ्रेंड्स, हमने इस बैटर में ना तो इनो का इस्तेमाल किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का, ना ही सोडा का, तब भी हमारी जो बूंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा फूली फूली एकदम गोल मटोल बनी है, एकदम मार्केट जैसी बनी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मिनट तक हमें इसे हाई फ्लेम पे अलटते पलटते सेक लेना है, ये जब तक कि इसमें झाग बनने बंद ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला बैच जो है वो फ्राई हो चुका है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, और एक बात, जब आप दूसरी बार इसको इस्तेमाल करो ना, तो तब उसको डब्बे को अच्छे से क्लीन करके तब इस्तेमाल करना है, वरना फिर बूंदी अच्छी नहीं बनेंगी यदि आप उसी गंदे डब्बे में बूंदी बनाओगे, एकदम गोल मटोल नहीं बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर डब्बे को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं यहाँ पर दूसरी बार बना रही हूँ। तो हमने फ्रेंड्स ये वाला बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसी तरीके से बाकी की बूंदियाँ भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी बूंदियाँ बना ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गोल मटोल बनी है, एकदम मार्केट जैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, अब से बाज़ार वाली बूंदी लाने की जरूरत नहीं है, घर में ही होममेड बूंदी बनाइए और सबको खिलाइए रायते में, या फिर इस बूंदी के लड्डू बनाइए। फ्रेंड्स, आपको यह हैक कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी किसी नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।